हेलो व्यूअर्स स्वागत है आपका एक और नए सीरीज के अंदर और आज का सीरीज का नाम है द आर्ट एंड साइंस ऑफ इफेक्टिव सेलिंग एंड सेल्स केटिंग और आज के इस सीरीज के अंदर आपको एक ही चीज के बारे में बताया जाएगा एंड दैट इज कॉल प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल कौन है और एक प्रोफेशनल बनने के लिए किन किन चीजों की और क्या क्या करना पड़ता है इन्हीं चीजों के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाएगा पहला आधा घंटा आज का सीरीज का तो आइए सुनते हैं इस वीडियो को आखिर एक प्रोफेशनल बनने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ता है और क्या क्या करने की जरूरत पड़ता है सो लेट गेट गुड मॉर्निंग इस आज का टॉपिक है एंड साइंस ऑफ इफेक्टिव सेलिंग और सेल्स इन्हो you know, मेरे को ये बताइए कि क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर चलिए फटाफट जल्दी जल्दी बताइए आज मेरे पास इन टाइम बहुत कम है और टॉपिक बहुत बड़ा है क्यों आए हैं यस सर यस सर सेल्स के बारे में क्या सीखना चाहता है क्या सीखना चाहता है सेल्स के बारे में काम डोर टू डोर में काम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए अभी कितने लोगों के पास जा रहे हैं और कितने लोगों का सेल्स मिल रहा है को मिल रहे हैं दस को मिल रहे हैं और एक को बेच रहे हैं दस को मिल रहे हैं और एक को बेच रहे हैं दस आदमी के पास मैं डोर टू डोर जाता हूं और एक इंसान को बेचता हूं चलिए क्यों आए हैं आप यहां पर यस यस सर जेंटलमैन आउट देयर क्यों आए हैं आप हाउ टू फाइंड वैलिड कस्टमर ओके वैलिड कस्टमर कहां बैठा हुआ है किस छुपा हुआ है वो वैलिड कस्टमर कहां पर वो छुपा हुआ है वैलिड कस्टमर एंड देयर वैलिड कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना यस yes, सर Retaining the customer. How do you retain the customer? One of the most important things that is there. many have the customer, but I am not able consistently. I am not And that is what is very very important. Anybody else? Yes, sir. Closing. You know how do I effectively close? तो किसी ने कहा कि मैं नया कस्टमर को ढूंढूं कहां से तो किसी ने यह कहा कि मैं क्लोज कैसे करूं ताकि मेरे को ताबड़तोब चेक मिले या ऑर्डर मिले या मेरे साथ वो जुड़ जावे या मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेवे या मेरा प्रोडक्ट को वो खरीद लेवे वॉट एल्स एनीबडी यस सर हंड्रेड परसेंट पेमेंट कस्टमर लोग हंड्रेड परसेंट पेमेंट नहीं दे रहे हैं और मैंने जिंदगी भर एडवांस में पेमेंट उठाया, मनी yes. पब्लिक you know, you know, so you know, पैसा नहीं दे रही है yes, yeah. मतलब क्या जानना चाहते हो आप बी टू बी में बिजनेस टू बिजनेस में क्या जानना चाह बी टू बी कैसा बेचना है बेचने का।, बेचने का तो बेचने की कलाकारी जानना यस मैडम yes, हाई हाई प्राइस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स यू नो वैल्यू कैसे बेचना है अपने आप को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, यू नो हो सकता है कि कोई दस हजार का माल बेच रहा है लेकिन उसी कंपनी में एक लाख रुपए का भी माल है पांच लाख रुपए का भी माल है दस लाख रुपए का भी माल है लेकिन इसने दस हजार बेच बेच के बेच बेच, बेच के बेच, बेच बेच के दस हजार बेचने की आदत डाल दी एंड हाउ डू आई गो टू द नेक्स्ट लेवल उ डू आई गो टू द नेक्स्ट लेवल दस हजार का माल से मैं एक लाख पे कैसे जाऊँ और एक लाख का माल से मैं दस लाख का माल पे कैसे जाऊँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये जानना चाहते है मैडम आउट देर ये वरफुलस एनी कौन है इंक्रीज आउटपुट किधर गया आउटपुट हाँ बोल

हाउ टू कन्विंस पीपल यस सर कंसिस्टेंटिस्टेंटली ना बोलने वाले कस्टमर को कैसे पटाना कंसिस्टेंटली ना बोलने वाले कस्टमर को कैसे पटाना ओके यस सर विदिसन अबाउट सेल्स वॉट डू यू वॉन्ट टू यस सर यस सर हाँ एच प्रोस्पेक्टिंग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को कैसे बेचा जाए यस सर ओपनिंग के बारे में कैसे चीजों को ओपन किया जाए इन्हो कैसे लोगों का अटेंशन को लिया जाए इसके बारे में बात वो जानना चाहते हैं यस सर सर का अपने ऊपर भरोसा कैसा बढ़ाए किसका किसके ऊपर भरोसा कस्टमर का अपने ऊपर भरोसा कैसा बढ़ाए तेरे को तेरे पे भरोसा है यस सर डेफिनेटली सर सर यू नो अगर तेरे को तेरे पे भरोसा है तो कस्टमर को अपने आप तेरे पे भरोसा आप, आप आ जाएगा लेकिन भरोसा आने के लिए आदमी में उस तरह का इंटेंसिटी होना चाहिए भरोसा दिलाने के लिए उसके डायलॉग में उसके चाल में उसके डाल में उसके विश्वास में उसके विचारों में बहुत दम होना चाहिए यस सर आउट मैं इंश्योरेंस से जुड़ा हूँ हाँ? तो अभी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनिया मार्केट में आ गए है तो पहला हमारा हिट रेशो था हुँ? चार पर्सन के पीछे स्पेशली इन हेल्थ एक आदमी मिलता था अभी वो इतना गिर गया है कि पंद्रह लोगों को मिलने के बाद एक आदमी मिलता है तो बीट कॉम्पिटिशन है वो गिरा नहीं है तू गिर गया यू <laughs> नो you know, वो गिरा नहीं है कस्टमर गिरा नहीं है मार्केट गिरा नहीं है लेकिन तेरी एबिलिटी बेचने की गिर गया है यू you नो know, तेरी एबिलिटी बेचने का गिर गया है बदलते हुए मौसम और बदलते हुए मौसम के साथ बदलने का ना बदलने का तेरी चाहत ने तेरे को खलास कर दिया यस सर आउट देर हेलो यस आप बोलो बोलो Closing, okay, closing. Yes, sir. Uh, sir, right now I am not following any process, so I want to learn that if there is any anything like process in sales. If there is so a process, of course Hello. there is a process. Of course, yes, sir. Bearded gentleman, yes. How to go about new, business prospects. new business prospects. How to go about new business prospects. Yes, sir. Yeah, yeah, yeah. Yeah, mic though, madam. Madam Musco, mic though. Yeah. I'd like to know how to make a. इफेक्टिव सेल्स प्रजेंटेशन और सेल्स पे ओके इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन सेल्स पेटर दाड़ी वाला रिलेशनशिप कैसा बिल्ड करने का Hello. Hello, कर... <laughs> ये क्या होता है मंदी मंदी अच्छा मेरा एक बहुत साल से बोलता हूँ पिछले पैतीस साल से मेरा एक डिसीशन है कि अच्छा ये जो मंदी चल रहा है ना तो इसमें भाग ले रहा है क्या यू टेकिंग पार्ट इन इट यस यू टेकिंग पार्ट इन इट तो फिर तू बर्बाद हो जाएगा <laughs> क्योंकि मैं पिछले 35 साल से कोई भी मंदी में भाग नहीं लिया है आई डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिसेशन मेरा कोई रिसेशन से लेना देना नहीं है पिछले पैंतीस साल में कितने सारे मार्केट में मंदी और अच्छे बुरे दिन आए मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं मेरे को धंधा करना है हर हाल में हर काल में मंदी से और मंदी में सबसे ज्यादा धंधा होता है क्योंकि मंदी में क्या होता है अगर हंड्रेड सेल्समैन है ना तो पचास जन तो फील्ड में नहीं उतरते ये बोल के कि जाके तो कोई फायदा है नहीं कुछ होने वाला तो है नहीं मंदी चालू है 50% परसेंट पीपल आउट ऑफ 100 पीपल तो फील्ड में उतरते नहीं बाकी जो 50% परसेंट है उसमें जो 20 उसमें जो 50% परसेंट है यानी जो 50 लोग हैं उसमें से जो 25 लोग हैं वो मार्केट में उतरते ये बोल के वैसा कुछ होने वाला नहीं है फिर भी मैं जाके देख के आता हूं तो ये कह के लिए जा रहा है देख के आने के लिए ये बेचने बेचने नहीं जा रहा है ये अपना शक को साबित करने जा रहा है कि मैं और फिर जाके आता है खाली हाथ और वो बोलता है देखा दिमाग में पहले बोलता था होने वाला तो है ही नहीं और नहीं हुआ तो ये जो है ये इस तरह का लोग होते हैं और बाकी कितने बच्चे फिर पच्चीस टका सेल्समैन पूरा मार्केट का धंधा ये पच्चीस टका उठाते पूरा मार्केट का धंधा और मैं अपने आप को इन पच्चीस टके में मानता हूं क्योंकि मैंने आज तक कोई मंदी में भाग नहीं लिया आई डो नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिसेशन मेरे को रिसेशन से कोई लेना देना नहीं है यस सर अच्छे <laughs> नफे में बेचना है और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है अच्छे नफे में बेचना है प्रॉफिट अच्छे, अच्छे नफे में बेचना है और अच्छे को नफे को में बेचना, भी बेचना भी है एंड प्रॉफिटेबली बेचना है एंड थिंग्स लाइक दैट यस सो यू वांट टू इंक्रीज योर 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 यू नो योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड थिंग्स लाइक यस सर सक्सेसफुल टीम कैसे बिल्ड करे वो आज का प्रोग्राम ही नहीं है यू नो, द प्रोग्राम इज आर्ट एंड साइंस ऑफ़ इफेक्टिव सेलिंग टीम कैसे बिल्ड करना वो अलग सा प्रोग्राम है बाहर सीडी मिलेगा द पावर ऑफ बिल्डिंग अ ग्रेट टीम। वो खरीद यस सर। सेल्स एक साइंस है, एक है। और, और इसका रियाज कंटिन्यूस बेसिस पे करना चाहिए करेक्ट, करेक्ट यू नो सेल्स एक साइंस जैसे दीपक धाबलिया साहब बोलते हैं और इसका रियाज करना चाहिए जो लोग रियाज करते हैं जो लोग रियाज करते हैं जैसा जाकिर हुसैन सुबह तीन बजे से लेकर आठ बजे तक रोज पांच घंटा तबले का रियाज करता है और पिछले तीस साल से वो जब भी तबला बजाता है यही यहाँ पर किधर बैठता होगा इधर या इधर वो बाजू किशोरी अमोनकर होगा ये बाजू ये नो वो होगा वो बाजू अमजद अली होगा या जो भी इंसान लोग है उसके साथ जाकिर हुसैन बजाता है और जब भी वो बजाता है लोगों को मंत्र करता है बिकॉज बिकॉज प्रैक्टिस करता है रियाज करता है विराट कोहली का सुना गया है कि तीन घंटे का रियाज करता है वो दिन में थ्री आवर्स ऑफ यू नो रियाज और हमारा कैसा है हम सीधा तबला लेके स्टेज पे आ जाते और बजाने चालू करते और लोग अपना के छोड़ देते हैं क्योंकि रियाज तो किया नहीं रियाज तो किया नहीं है तो रियाज के बिना आके बजा देते हैं तो बहुत सारे लोगों ने सेल्स का रियाज नहीं किया और कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो सेल्स का प्रोफेशनल रियाज करे, जो रियाज नहीं करता जो प्रैक्टिस नहीं करता सेल्स इज ए प्रैक्टिस नो भरतनाट्यम को सीखने के लिए सात साल लगता है उसी तरह से तबले को सीखने के लिए सात साल लगता है उसी तरह से सात साल लगता है सेल्स को सीखने के लिए मिनिमम सात साल लगता है मतलब थोड़ा बहुत अक्कल आने के लिए थोड़ा बहुत ढंग का अरंगेटम स्टेज पे खड़े रह के भरतनाट्यम का थोड़ा बहुत अरंगेटम जिसको बोलते हैं अरंगेटम बोले तो पहली बार स्टेज में पब्लिक के सामने नाचना उसके लिए मेरे तीनों लड़कियों ने भरतनाट्यम सीखा है मेरी वाइफ ने सीखा है सात साल सीखने के बाद ठीक ठाक बॉडी हिलता है तब जाके बोलते हैं कि स्टेज पे खड़े रहो और अपने दोस्त यार लोग को बुलाओ लेकिन एक प्रोफेशनल बनना है अगर प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर बनना है तो गेम पूरा अलग हो जाता है पूरा गेम अलग हो जाता है उसमें तो उसमें तो सात नहीं दस ग्यारह बारह साल का कड़ी मेहनत मेरी बीवी और मेरे बच्चे तो भरतनाट्यम सीखने के लिए दिन में एक घंटा जाते थे वो नैनो स्कूल में नित्य के स्कूल में एक घंटा जाते थे लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल भरतनाट्यम करना है तो दिन में दस से ग्यारह घंटे का प्रैक्टिस होता है हम भी गली के क्रिकेट खेले ना हम लोग भी गली के क्रिकेट खेले तो गली का क्रिकेट खेलना और विराट कोहली बनना ये दो अलग गेम है गली का क्रिकेट इज परफॉर्मिंग और विराट कोहली जो देता है वो है परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग और परफॉर्मेंस में फर्क ये है कि परफॉर्मिंग यानी जो अपन गली में क्रिकेट खेले जहां कोई पूछ नहीं रहा है जहां कोई रूल्स नहीं है जहां मन मानी चलता है ना टाइम का कोई फॉलो करता है दैट इज परफॉर्मिंग वहां पर कोई इवेल्युएशन नहीं होता वहां पर कोई रिवॉर्ड्स नहीं होता लेकिन जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो आप देते हैं परफॉर्मेंस अभी यहां पर मैं खड़ा हूं तो मैं दूंगा एक परफॉर्मेंस मैं परफॉर्मिंग नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चे लोग के स्कूल में जब मैं जाके डांस प्रोग्राम देखता हूं तो उन वो लोग परफॉर्मिंग कर रहे हैं और मैं देखता हूं और हम लोग जबरदस्ती ताली बजाते हैं ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो जावे बट दैट्स नॉट अ परफॉर्मेंस वो जो बच्चे लोग स्कूल में जो प्रोग्राम देते हैं वो पब्लिक के सामने पैसे दे बेचा नहीं जा सकता पब्लिक के सामने पैसे दे बेचना यानी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा परफॉर्मेंस वही आदमी दे सकता है जो एक प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल वो आदमी है जिसने ये तय किया है कि मुझे प्रोफेशनल बनना है तो कोई प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनता है तो कोई प्रोफेशनल सेल्समैन बनता है तो कोई प्रोफेशनल नेटवर्कर बनता है तो कोई प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर बनता है तो कोई प्रोफेशनल बनता है हमारा कंपनी स्मार्ट बहुत सारा प्रोग्राम्स लेती है ओरियंटेशन गुरुकुल गुरुकुलर गुरुकुल एडवांस गुरुकुल मास्टर्स गुरुकुल, गुरुकुल निर्वाणा गुरुकुल इस तरह का बहुत सारा अलग अलग प्रोग्राम क्यों ताकि प्रोफेशनल बने अदरवाइज वो रोज सुबह जाके परफॉर्मिंग करता है परफॉर्मिंग में रिजल्ट नहीं आता और परफॉर्मेंस सिर्फ रिजल्ट्स की बातें होती है तो इज अ डिफरेंस मेरा एक सीडी है जिसका नाम मेरा अगला प्रोग्राम आ रहा है बंबई में जिसका नाम है परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर तो उसमें मैंने बताया परफॉर्मिंग और परफॉर्मेंस में फर्क क्या है कई लोग गली का क्रिकेट जाके स्टेट लेवल पे खेलते हैं नेशनल लेवल पे खेलते हैं तो गली का क्रिकेट खेलते हैं कहीं इंश्योरेंस एजेंट गली का इंश्योरेंस खेलते हैं कस्टमर के सामने कहीं नेटवर्कर गली का गली का नेटवर्किंग करते हैं कस्टमर के सामने और गली का क्रिकेट के लिए तैयारी होती है क्या येस और नो गली का क्रिकेट के लिए तैयारी होती है यस और नो गली का no. क्रिकेट में पैसा मिलता है क्या तो कई लोग फालतू में जाके गली का क्रिकेट खेलते हैं कस्टमर के सामने आज ये बात समझ लो डियर फ्रेंड्स गली का क्रिकेट खेलोगे पैसा कस्टमर नहीं देगा तू नंगा ना ले तेरे को आठाना नहीं मिलेगा क्योंकि तू गली का क्रिकेट खेल रहा है गली का क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट में फर्क है स्कूल में तूने डांस किया होगा तो पार्टी में डांस कर जब अपन घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं दिवाली पार्टी ये वो जिसमें तू डांस करता है इट इज नॉट ए परफॉर्मेंस इट इज परफॉर्मिंग उसमें पैसा नहीं मिलता उसमें रिजल्ट नहीं हो, देखा जाता रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है एंड दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स आई स्टार्ट माइ करियर थर्टी फाइव अगो इन एटी थ्री एटी मैंने अपना करियर चालू किया था पचास जन के पास जाता था तो एक आदमी को वैक्यूम क्लीनर बेचता था उसके बाद मैंने उस एवरेज को चालीस इस टू वन किया बीस इंसू वन किया दस इज वन फाइव वन और उसके बाद मैंने वन इस मैं किसी कस्टमर के पास वैक्यूम क्लीनर बेचने जाता था तो उससे चेक लेके आता था मैं एक्वागार्ड बेचने जाता था तो चेक लेके आता था उसके बाद रियल वैल्यू बोल के सीज फायर फायर एक्सटिंग कंपनी में काम करता था एज ए डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर यूरेका फोर्ब्स में सेल्समैन से ग्रुप लीडर ग्रुप लीडर से सुपरवाइजर सुपरवाइजर से ब्रांच मैनेजर ब्रांच मैनेजर से डेप्यू डिजनल एरिया सेल्स मैनेजर रीजनल बना आठ साल में दस प्रमोशन मिला द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट एम्प्लॉय एंड द हाइस्ट पेइंग एम्प्लॉय ऑफ यूरेका फोर्स बन के मैं वहां से निकला और डीजीएम करके मैं फायर एक्सटिंग कंपनी सीज फायर में ज्वाइन किया और वहां पर भी वहां पर भी मैंने यही सब कुछ किया और मैंने परफॉर्मेंस दिया रिजल्ट निकाला उसके बाद टीम प्रोडक्टिविटी बोल के ट्रेनिंग में मैं वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर रहा वहां पर भी मैं फील्ड में जब जाता था वोडाफोन में जाता था या रिलायंस में जाता था या जिस भी कंपनी में जाके अपने आप को पेश करता था तो चेक लेके आता था मेरे नजर के रेडियस में अगर कोई आवे तो उसकी मौत निश्चिंत है you know, आज भी और यह बात तभी का नहीं आज से दस दिन पहले कस्टमर के पास गया बराबर पैसा उठा के लेके आज से पंद्रह दिन पहले किसी के पास गया उठा के लेके आया कभी एक करोड़ रुपया लेके आता हूं तो कभी पचास लाख रुपया लेके आता हूं तो कभी पच्चीस लाख लेके आता हूं तो कभी एक हजार रुपया लेके आता हूं लेकिन गया तो लाता ही हूं गया तो लाता ही हूं सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर माई सक्सेस रीजन नंबर वन फॉर माई सक्सेस ज आई टूक सेल्स एज ए प्रोफेशन नॉट एज ए जॉब ये एक प्रोफेशन है सेल्स एक प्रोफेशन है इंश्योरेंस एजेंट बनना यानी एक प्रोफेशन है एक नेटवर्कर यानी एक प्रोफेशन है एक ऑन्टरप्रिनर बनना यानी एक प्रोफेशन है।, है आपने वो प्रोफेशन टू बी एन ऑंटरप्रिनर वो चुना है सबसे पहला तो आपको यह डिसीजन लेना है कि डू यू वॉन्ट टू डू अ जॉब आपको नौकरी करना काम करना है नौकरी या काम दोनों एक ही होता है कोई कोई रोज सुबह अपने कंपनी में आके काम करता है वो धंधे वाला हो सकता है कोई कोई रोज मार्केट में जाता है वो नेटवर्कर हो सकता है इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है सेल्स का बंदा हो सकता है कोई भी हो सकता है तो सबसे पहला तो ये डिसाइड करना पड़ता है सेल्स को मैं एज अ प्रोफेशन लेने वाला हूं मैं हजारों लोगों को पढ़ा चुका हूं लाखों लोगों को देख चुका हूं और कहीं हजारों कंपनी में काम कर चुका हूं 99% नाइन परसेंट ऑफ ऑल पीपल इन सेल्स हैव नॉट डिसाइडेड टू टेक इट एज ए प्रोफेशन निन्यानबे टका लोगों ने सेल्स को अपना प्रोफेशन करके नहीं मानते वो एक नौकरी करके हमारे कंपनी में एक लड़का है जो संधा नहीं करता और हर तीन महीने में आके है मेरा पगार कब बढ़ा के दे रहे हो उसको समझ ही नहीं है कि सेल्स में इंसेंटिव कमाना दस टाइम अपना सैलरी का इंसेंटिव कमाना ये उसका अधिकार है वो इंसेंटिव कमाना नहीं चाहता वो पगार बढ़वा के लेना चाहता जो आदमी पगार बढ़ा के लेने के चक्कर में है उसने अभी तक सेल्स की मास्टरी का डिसीजन नहीं लिया तो 1985 में मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक सेल्स एज ए प्रोफेशन नॉट एज ए जॉब इसका मतलब है मैं सिर्फ टेनिस नहीं खेलूंगा मैं प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनूंगा मैं सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलूंगा मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर बनूंगा मैं सिर्फ तबला नहीं बजाऊंगा मैं जाकिर हुसैन के माफत प्रोफेशनल तबला वादक बनूंगा मैं सिर्फ भरतनाट्यम नहीं यू नो नॉर्मल भरतनाट्यम जो अपने घर में पब्लिक को माँ बाप को दिखाने के लिए नहीं डांस सीखने वाला हूं मैं उसका प्रोफेशन बनाने वाला हूं इसका मतलब है कि उस प्रोफेशन के अंदर की सभी बारी किया उस तबले के अंदर की सभी बारीकियां उस भरतनाट्यम के अंदर की सभी बारीकियां उस टेनिस का गेम के बारी किया उस क्रिकेट के गेम के हर बारी किया कहाँ बैट रखना है कैसे बैट रखना है कब बैट रखना है कैसे बॉल को मारना है कभी पीछे जाना है कभी आगे आना है कैसे नजर रखना है मैं ये सब चीज को स्टडी करूंगा डिटेल में जाऊंगा कौन से डायलॉग में मारूंगा कौन से डायलॉग मारने से कस्टमर चेक देता है कौन से डायलॉग नहीं आइए कैसे कपड़े पहनना चाहिए कैसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए वक्त के पहले क्यों जाना चाहिए किसी कस्टमर के पास जाने के पहले किस तरह की तैयारी होनी चाहिए जाने के बाद क्या चाहिए कैसे पूछना चाहिए क्या टाइमिंग है क्लोजिंग करने का चेक उठाते टाइम कौन सी 300 चीजें ध्यान में रखनी है ये सब चीज की मैं भारी से स्टडी करूंगा यानी मेरे 35 साल के करियर में करीबन 300 से साढ़े तीन अलग अलग टाइप के मेरे को ऑब्जेक्शन 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 उन 300 के मेरे पास हर का नियरली 30 से 35 अलग तरीका है उसको पेश करने का जिसके बाद मेरे को चेक मिलना ही है यानी वो जो तीन बजे से लेके आठ बजे सुबह जो प्रैक्टिस चलता है उसके बाद जाके जाकिर हुसैन दो घंटा बजाता है सात घंटे का प्रैक्टिस और दो घंटे का सेल्स कॉल हम लोग क्या करते हैं सीधा सुबह उठते हैं तबला लेते हैं और सीधा चले जाते हैं कस्टमर के पास और वहां बैठ के बजाने चालू करते हैं, और इतना बुरा बजाते हैं इतना बुरा बजाते हैं और तभी तो चेक नहीं मिल रहा है तभी तो दस साल तू ये धंधे में रहने के बाद तेरे को नहीं मालूम कि तेरे को करना क्या है तभी तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट करके दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस एक कलाकारी है जिसका नाम है प्रोड्यूसिंग रिजल्ट एट विल बोलिए प्रोड्यूसिंग रिजल्ट एट विल यानी मुझे अगर आज शाम को दस लाख रुपये चाहिए ना तो शाम को मैं दो तीन आदमी को मिलूंगा और दस लाख लेके आऊंगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे हाथ में दस लाख नहीं आवे इसका मतलब है प्रोफेशनल प्रोड्यूसेस रिजल्ट एट विल उसके 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 हाथ में है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना अब रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या वातावरण पैदा करना चाहिए कौन लोग बैठा रहना चाहिए कौन से डायलॉग मारने चाहिए कौन से डायलॉग पहला और बाद में मारना चाहिए ये जब आदमी मास्टरी करता है और इसकी गहराई के अंदर जाता है और जैसे धाबलिया ने कहा रियाज करता है रोज सात घंटे पांच घंटे आप अपने आप से पूछिए ना आप लोग सब लोग सेल्स में है एंट्रप्रिन सेल्स में है तीन टाइप का सेल्स करता है एक माल बेचता है एक आइडिया बेचता है अपने को और एक की मुझे मुक्त करो आजाद करो अपने टीम को बोलता तू ये काम ले मेरे को आजाद कर तू ये काम ले मेरे को आजाद कर तू ये काम ले मेरे को आजाद कर तो इसको आजादी सेल बोलते और एक रोकड़ा सेल बोलते हैं रोकड़ा बोलो तो आपका माल लेके आप जब मार्केट में जाते हैं और पैसा लेके आते हो तो उसको रोकड़ा सेल बोलते यू नो तो आजादी सेल फ्रीडम सेल और एक सेल है काबिलियत सेल बोलते इसको कि वो अपने कंपनी के अंदर ईआरपी अपने लोगों को बेचता है कि भैया अपने को अभी ई सिस्टम डालना है ये आइडिया को बेचना पड़ता है तो कैपेबिलिटी बढ़ाना कंपनी की कैपेबिलिटी बढ़ाना यानी काबिलियत बढ़ाना कंपनी की काबिलियत बढ़ाना ये भी एक बेचना है इसको काबिलियत सेल बोलते हैं माल बेचना कंपनी का उसको रोकड़ा सेल बोलते हैं और अपने आप को आज़ाद करो जो हम लोग गुरुकुल में सिखाते हैं उसको फ्रीडम सेल बोलते हैं तीन टाइप का सेल करते हर आदमी बेच रहा है लेकिन किसी किसी की आइडिया को खरीदा जा रहा है किसी किसी के आइडिया को एक्सेप्ट किया जा रहा है किसी किसी आइडिया का एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है किसी किसी का तबला जो तबला बजाता है उसका अगला शो बुक हो जाता है उसको रोग लगातार धंधा देते हैं और कोई कोई तबला है जिसका बराबर नहीं है तो फिर वो शाम को बार में बजाता है बजाता तो वो भी तबला ही है और वो जब बजाता है ना तो जो बीस जन दारू पी रहे हैं ना उनका नजर ही नहीं है उस तबले पे क्योंकि इतना बेकार बजा रहा है तो हम में से कई लोग बार वाले हैं हम गिटार बजाते हैं हम गाना गाते हैं लेकिन हम शनमुआ में नहीं बजा रहे तो आज ये समझ लो और जान लो कि यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू मेक इट अ प्रोफेशन तो हु इज अ प्रोफेशनल मुद्दा ये उठता है कि प्रोफेशनल है कौन तो ये है डेफिनेशन ऑफ ए प्रोफेशनल ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन डायरेक्टेड, गाइडेड ऑब्जर्व मॉनिटर्ड सुपरवाइज इंस्पायर्ड मोटिवेटेड और पुष्ट मैं जब सेल्स में था तो मेरे ऊपर कोई भी आदमी मेरे को डायरेक्ट करने के लिए नहीं चाहिए मैं जब सेल्स में था मेरे बॉस को डायरेक्ट करना नहीं पड़ता था मेरे बॉस को गाइड करना नहीं पड़ता था मेरे बॉस को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता था मेरे बॉस को मेरे को मोटिवेट नहीं करना मेरे को कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं तो मेरे को अपलाइन की जरूरत नहीं है कि अपलाइन आएगा मेरे को डायरेक्ट करेगा गाइड करेगा मेरे को यू नो ऑब्जर्व करेगा मेरे को मॉनिटर करेगा मेरे को सुपरवाइज करेगा मेरे को इंस्पायर करेगा या मेरे को मोटिवेट करेगा या मेरे को पुश करेगा प्रोफेशनल को ये कुछ नहीं लगता और कहीं सारे यहां पर इंश्योरेंस एजेंट से लोग जिनको एक डेवलपमेंट ऑफिसर लगता है और एक ब्रांच मैनेजर लगता है जो उसको गाइड करे मोटिवेट करे पुश करे किक करे किस करे इंस्पायर करे उसको मोटिवेट करे और कई सारे हजार इनोम नेटवर्कर हैं जिसको रोज़ सुबह फ़ोन करवाना पड़ता है फोन करो उसको जगाना पड़ता है उठाना पड़ता है याद दिलाना पड़ता है मोटिवेट करना पड़ता है पुश करना पड़ता है किक करना पड़ता है किस करना पड़ता है इसका मतलब है कि तू अभी प्रोफेशनल बना नहीं आज तक पिछले पैंतीस साल में कोई भी आदमी को संतोष नायर को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी उसको पुश करने की जरूरत नहीं उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी कि तेरा काम रोज सुबह फील्ड में जाना है तेरा काम है कि टारगेट पंद्रह दिन में खत्म करना है तूने तीस वैक्यूम क्लीनर बेचेगा बोला तेरा काम है पंद्रह तारीख के पहले तीस बेच डालने का कोई बॉस को याद दिलाने की जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्ट बेस में खुद बिल्ड करता था प्रोस्पेक्ट को मैं खुद जमा करता था मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता था किसी औधार पे मैं नहीं बैठा हुआ था जब मैं मार्केट में जाता हूं। आज भी जब मैं बेचने को जाता हूं मैं अपने बच्चे लोगों को नहीं बोलता मेरे को प्रोस्पेक्ट दो मैं अपना प्रोस्पेक्ट खुद ढूंढता हूं उन प्रोस्पेक्ट को खुद तैयार करता हूं उन प्रोस्पेक्ट तक खुद पहुंचता हूं और उन तक अपना बात को पेश करने का चक्कर चलाता हूं तो सबसे पहला जो आदमी प्रोफेशनल नहीं है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता बात खत्म बात खत्म अगर तेरे को रोज सुबह याद दिलाना पड़ता है कि बेटा उठ चल भाई गोल बुक बना बड़ा सोच मेहनत कर किताब पढ़ सीडी सुन ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर अगर तेरे को याद दिलाना पड़ता है मोटिवेट करना पड़ता है रास्ता दिखाना पड़ता है तेरे को ये सब करना पड़ता है इसका मतलब है कि तू प्रोफेशनल नहीं है और जो प्रोफेशनल नहीं है वो रिजल्ट्स एट विल अपनी चाहतों के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं कर सकता हमारा एक प्रोग्राम होता था निर्वाणा गुरुकुल बोल के तो मैंने अपने कलीग को बोला मैं पंद्रह लोगों को बीस बीस लाख रुपए हमारा बीस लाख रुपए का प्रोग्राम था हमने बोला बीस जन को मैं पंद्रह लोगों को लाऊंगा बीस बीस लाख रुपए लूंगा मैं मार्केट में गया बाईस लोगों को मिला और मैंने वो पूरा 21 जन का बैच खड़ा कर दिया फिर सेकंड बैच जब आया तो मैं बोला और 15 लोगों को लाऊंगा मैंने बराबर 15 लोगों को लाया तीन करोड़ रुपया लाया और अपने कलीग को बोला चल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला जो टाइम पे बोला उसी टाइम के अंदर मैंने वो पेमेंट लाया जो टाइम बोला उसी टाइम के अंदर वो सब चीजें आई और वो बोलने के बाद जब मैंने कमिट कर दिया तो फिर मेरे पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं नायर साहब आपने बीस का टारगेट लिया था कब करेंगे पंद्रह का टारगेट लिया था बीस किया तो मेरा मेन जॉब पैंतीस साल से देर इज कॉल्ड मेन जॉब पर्पस माई मेन जॉब पर्पज क्या है मेरा मेन जॉब पर्पज है टू अचीव एंड एक्सीड माई सेल्स एंड कलेक्शन टारगेट डेली वीकली मंथली क्वार्टरली क्वार्टरलीयरली मैं क्लियर हूं कि मेरा मेन जॉब पर्पस क्या है अगर मैं नेटवर्कर हूं या अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं या जो भी हूं मेरा मेन जॉब टू है माय सेल्स एंड कलेक्शन टारगेट डेली वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली टाइम के पहले मेरे को टारगेट अचीव करना ये मेरा मेन जॉब पर्पस है एंड दैट इज वाई आई वॉज इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट विल